दोस्तों नेशनल अवार्ड्स की 66 इयर्स की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी गुजराती फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। ना सिर्फ ये बल्कि इस साल 13 गुजराती एक्ट्रेसेस को इस हॉल ऑफ फेम में प्रवेश मिला है। इससे पहले किसी गुजराती फिल्म की एक्ट्रेस को कभी नेशनल अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन इस साल जिस फिल्म को बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है उसी फिल्म की 13 एक्ट्रेसेस को स्पेशल जूरी अवार्ड भी मिला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हेलारो की, और आज हमारे स्टूडियो में हेलारो के फर्स्ट टाइम डायरेक्टर अभिषेक शाह है। लेट्स वेलकम हिम। अभिषेक जी, वेलकम टू कोमल नाटा ऑफिशियल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कांग्रेचुलेशन। सबसे पहले तो आपने रिकॉर्ड कायम कर लिया कि पहली बार 66 इयर्स में कभी गुजराती फिल्म को नेशनल अवार्ड नहीं मिला है। नहीं मिला है। वाह। तो आप जब ये फिल्म बना रहे थे, जाहिर सी बात है आपने सोचा भी नहीं होगा। नहीं, हमने नहीं सोचा था। इस फिल्म को बनाने की आइडिया कैसे आई? आप फर्स्ट टाइम डायरेक्टर हैं, इससे पहले आप कास्टिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। यस सर, या। तो डायरेक्टर बनने की कैसे सोची, इस फिल्म की आइडिया कहाँ से आई? सर एक्चुअली मैं थिएटर में नाटक लिखता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ। अच्छा। तो बहुत सारी कहानियाँ मुझे कहने का शौक है, लेकिन वो थिएटर में। लेकिन मेरे दोस्त हैं प्रतीक गुप्ता, मीत जानी और आयुष पटेल, तो वो लोग वैसे एक कंपनी चलाते हैं जिसमें वो लोग फिल्म्स बनाते हैं, फीचर फिल्म नहीं लेकिन वो कॉर्पोरेट फिल्म और सोशल मीडिया फिल्म्स और टीवी सीरीज। तो मैं उनके लिए लिखता था, तो हम बहुत दिनों से बातें कर रहे थे कि गुजराती में कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो बहुत सालों के बाद भी लोग अगर देखे तो उनको लगना चाहिए कि ये गुजराती सिनेमा है। कुछ अच्छा, ऐसा कि टाइमलेस सिनेमा जैसे या, या, या। ओके। कुछ ऐसा कि जो नेशनल लेवल पे गुजराती सिनेमा को एक एक जगह दिलाए। इंटरनेशनल मार्केट में हमारी गुजराती फिल्म्स कभी नहीं जा रही है, तो कोई ऐसी फिल्म बनाने का प्लान था कि जो देख के बहुत सालों के बाद हमें तो अच्छा लगे लेकिन ऑडियंस को भी ऐसा लगे कि ये सिनेमा का कुछ ऐसा एक ऐसा फिल्म है कि जो याद रह जाए। तो उसी थॉट से ये फिल्म बनाने का हमें एक विचार आया। तो कहानी भी आपनी आपने लिखी? मैंने लिखी। क्या क्या आप मतलब किस किस डिपार्टमेंट में आप जुड़े हुए हैं? मैं डायरेक्टर को वैसे तो ओवरसी तो सब करना पड़ता है, लेकिन अदरवाइज इस फिल्म की कहानी मैंने लिखी है। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले राइटर मैं हूँ, मेरे साथ प्रतीक गुप्ता है, हम दोनों ने स्क्रीन प्ले लिखा है, और इस फिल्म का डायरेक्टर मैं हूँ और को प्रोड्यूसर मैं हूँ। ओहो, तो ये अवार्ड की जब आपको खबर मिली, यकीन हुआ कि आपने अपने आप को चिमटी मारी? जब अनाउंस हुआ कि बेस्ट फीचर फिल्म, राहुल रवल साहब हेड ऑफ जूरी थे और वो लाइव यूट्यूब पे चल रहा था, तो जब उन्होंने बोला कि गुजराती फिल्म, तो सब बहुत खुश हो गए। तो मैंने बोला कि एक मिनट सुनने तो दो, कौन सी है। और जब उन्होंने हेलारो बोला, तब होता है एकदम कि आप बिलीव नहीं करते, लेकिन 2-3 मिनट के बाद ऐसा पता चला कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि मैं सिनेमा को बहुत फॉलो करता हूँ। अच्छा। बहुत अच्छा। रिसर्च करता हूँ, मतलब सिनेमा के स्टूडेंट भी है। हाँ हाँ। तो मुझे पता था कि कभी भी बेस्ट फीचर फिल्म तो नहीं मिला है, तो 2-3 मिनट के बाद तो ऐसा लगा कि यार ये तो गुजराती सिनेमा के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो बहुत ग्रेट फीलिंग थी, और हम लोग सब लोग साथ में थे, बहुत खुशी हुई। और मुझे याद नहीं है तब मैंने क्या किया था इसको, क्या फोन पे क्या बोला, 5 मिनट का याद नहीं है मुझे। तो अब ये फिल्म आप थिएट्रिकली रिलीज करने जाएंगे 8 नवंबर को। आपने तो इस फिल्म के बारे में अगर कुछ बता सके तो 1975 में कच्छ की कहानी है। हाँ, कच्छ की कहानी में बेस्ड है। तो सारांश में अगर बता सके तो सारांश में ये कुछ औरतों की कहानी है, एक ऐसा गांव के जिसका कोई कनेक्शन शहर या फिर दूसरे गांव के साथ नहीं है। अच्छा। वो अपने आप में ही रेगिस्तान के बीचों बीच। ओके। रेगिस्तान के बीचों बीच ऐसा गाँव के जिसके खुद के रिवाज भी है, जिसके खुद के रूल्स हैं, और जो लोगों के साथ कनेक्शन नहीं होने के वजह से उनका खुद का एक एम्पायर है। उस एम्पायर में औरतें अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। अच्छा। तो उन्हें एक्सप्रेस मतलब नहीं करना दबाव है, उन्हें गरबा, उन्हें गरबा नहीं करना है। और गरबा हमारे वहाँ गुजरात में बहुत औरतों उन्हें गरबा नहीं करना, या उन्हें करना है लेकिन नहीं वो गरबा नहीं कर सकते, नहीं कर सकती है। तो हमारे वहाँ गुजरात में तो गरबा बहुत कॉमन है। तो एक ऐसी गांव की कहानी है कि जहाँ पे औरतों को ना बोला जाता है। एक दिन उनको एक आदमी मिलता है रेगिस्तान में पड़ा हुआ कि जो ढोली है, उसके पास ढोल है, और ये लोग गरबा करते हैं। और मेरी, मैं हमेशा से कहता हूँ कि मेरी कहानी सप्रेशन टू एक्सप्रेशन की कहानी है। तो बहुत सप्रेशन से वो सारी लड़कियाँ, सारी औरतें अपना एक्सप्रेशन ढूंढती है और फिल्म खत्म होती है। ओ
तो ये किसी किताब से इंस्पायर्ड है या आपकी ओरिजिनल कहानी है? इंस्पायर्ड एक फोक टेल है हमारे वहाँ। अच्छा, वहाँ से मैं इंस्पायर्ड हुआ। उस टेल का भी नाम हिलारो ही है? नहीं नहीं नहीं, उस टेल का नाम हिलारो नहीं है, लेकिन उसके सिर्फ कैरेक्टर्स हैं उसमें। अच्छा, उसके बारे में, उस कम्युनिटी के बारे में, उस कहानी के बारे में, उस एरा के बारे में फिल्म में बात नहीं की गई है। अच्छा, फिल्म वैसे देखा जाए तो बहुत ओरिजिनल फिल्म है, लेकिन वो जो थॉट कहीं से आता है ना, तो कुछ सुन के हमें लगता है कि चलो यार ये गरबा को लेके, ढोली और बहनों को लेके कुछ करते हैं, ऐसा कुछ। और इसकी कास्टिंग आपने कैसे की? कास्टिंग डायरेक्टर का तजुर्बा है आपका? इजी बहुत था मेरे लिए, लेकिन मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग ये था कि फिल्म में सारी जो औरतें हैं जिन लोगों को नेशनल अवार्ड मिला है, स्पेशल जूरी अवार्ड, उन सारी औरतों को गरबा करना है। और फिल्म में चार गाने हैं, चारों गरबा है, तो वो जो लय और जो बीट की जो समझ होती है वो होनी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी थी। तो मैंने क्या किया कि पहले तो, और दूसरी बात ये है कि फिल्म गुजराती है लेकिन एक डायलेक्ट होता है ना जी, जैसे सैराट में जो मराठी का जिस एरिया का डायलेक्ट है, वैसे मेरी फिल्म में कच्छ का गुजराती डायलेक्ट है। तो वो डायलेक्ट जिसको आए, डांस आए, एंड देन डांस के ऑडिशंस, एक ऑडिशन खत्म किया अपने एक्टिंग का, उसके बाद डांस के ऑडिशंस मैंने गुजरात की तो सारी एक्ट्रेसेस के साथ किया, लेकिन मुंबई में जितनी गुजराती एक्ट्रेसेस है जो सिलेक्टेड थी, उनका भी बॉम्बे में आके मैंने गरबा का एक स्पेशल ऑडिशन किया और फिर सिलेक्शन हुआ। तो वो थोड़ा मेरे लिए, तो ऐसी भी एक्ट्रेसेस रही होंगी जो लहजा जानती हो, डायलेक्ट जानती हाँ, लेकिन डांस नहीं जानती, एंड द रिवर्स आल्सो, वाइस वर्सा आल्सो। और दो ऐसी एक्ट्रेस हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे ऐसा था कि इसको, इसके साथ तो मुझे काम करना ही है, लेकिन मैं नहीं कर पाया क्योंकि उनको गरबा नहीं आता था। और आपके पास इतना वक्त नहीं था कि गरबा में ट्रेनिंग ले ले या उस डायलेक्ट में ट्रेनिंग ले ले? हाँ, उतना टाइम नहीं था, और लेकिन डांस बहुत इनहेरेंट होता है, वो जो या तो आपको आता है, आता है या नहीं आता, तो वो मैं वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता था इस फिल्म के लिए। आप खुद गरबा करते हैं? मैं करता हूँ, यस सर। अच्छा, बचपन से? बचपन से। तो इस फिल्म को बनाने में, वैसे आप कास्टिंग डायरेक्टर हैं एंड थिएटर से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिल्म का माध्यम एक अलग ही माध्यम होता है, तो थिएटर का बैकग्राउंड आपको, मतलब फिल्म बनाने में मदद की आपकी, एंड कास्टिंग डायरेक्टर जो आप फिल्मों के थे उससे मदद मिली? थिएटर से बहुत मदद मिली। अच्छा। क्योंकि थिएटर में डायरेक्शन करते करते पता चल जाता है कि किस तरह से एक्टर के साथ काम करना है, किस तरह से सीन को बनाना है, किस तरह से एक सीन के साथ दूसरे सीन को जोड़ना है। करेक्ट। तो वो थिएटर में वो लर्निंग हो चुका था। सिनेमा का लर्निंग ऐसा था कि मैं हमेशा से कीर्तन मेहता की मिर्च मसाला से बहुत इंस्पायर्ड हुआ हूँ। मैं बीमल रॉय और गुरुदत्त या फिर गुलजार साहब की फिल्मों से बहुत इंस्पायर्ड हुआ हूँ। तो वो बहुत, वो लर्निंग मेरा वहाँ से है सिनेमा का, कि एक ऐसी कहानी कही जाए कि जिसमें एक सोशल रिलेवेंस तो हो ही, लेकिन एक कनेक्ट हो जो ऑडियंस को कनेक्ट करे। तो वो मुझे बहुत काम लगा, वो मैंने जितना सिनेमा देखा है वो। और जब तक कास्टिंग डायरेक्शन की बात है, तब तक तो मैं बहुत फर्म था, मुझे किसके साथ काम करना है, किसके साथ नहीं करना है। तो वो बहुत इजी मेरे लिए 2-3 दिन का काम था। अच्छा। लेकिन ये लड़कियों का जो 2-3 लेयर का जो मुझे ऑडिशन करना पड़ा, बस वही टफ था। तो इन 13 लड़कियों में से एक्ट्रेसेस कितनी हैं और फ्रेशर्स कितनी हैं? सारी एक्ट्रेसेस हैं, सारी, ऑल फ्रॉम थिएटर बैकग्राउंड। अच्छा। कुछ ऐसी हैं कि जिन्होंने 1-2 सीरियल्स की है, कुछ ऐसी है कि जिन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे नाटक किए हैं, और कुछ फ्रेशर्स हैं लेकिन वो थिएटर में फ्रेशर्स हैं, उन लोगों ने नाटक तो किए हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि जो पहली बार एक्टिंग कर रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं, नहीं। और ये आपने जानबूझकर ऐसा रखा कि इत्तेफाक से ऐसे हो गया कि आपको एस्टैब्लिश एक्ट्रेसेस मिल गई? इत्तेफाक से हो गया, इत्तेफाक से। ये कमर्स को भी ब्रेक दे सकते थे? हाँ हाँ हाँ, 100%। मैं तो जो प्रोटागनिस्ट का जो कैरेक्टर है उसमें मुझे कोई स्मिता पाटिल जैसी लड़की चाहिए थी, मैंने बहुत ढूंढा, मैं फ्रेशर के साथ काम करने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन फिर कोई नहीं मिला। और श्रद्धा डांगर जिसने पप्पा तुमने नहीं समझाए, धर्मेश मेहता की गुजराती फिल्म जिसका कास्टिंग मैंने ही किया था, वो की है, उसको फिर मैंने फाइनली मंजरी के कैरेक्टर के लिए कास्ट किया। तो अभिषेक जी, अब जब आप डायरेक्टर बन गए हैं, तो कास्टिंग का काम या कास्टिंग वाली दुकान चलती रहेगी या अब केवल डायरेक्शन और प्रोडक्शन? या अभी ऐसा है कि ये फिल्म के साथ मैं 3 साल से हूँ, हिलारो के साथ थॉट आया तब से, बहुत बिजी रहता हूँ इस फिल्म में, दूसरी फिल्म में भी शायद बिजी रहूंगा, तो मुझे नहीं लगता कि अब मैं उतना टाइम दे पाऊंगा। अगर पैसों की बात करें तो कितना पैसा लग गया है आपका
हेलारो में आपका और आपके पार्टनर्स का 2.5 करोड़ के आसपास। अच्छा। जितनी गुजराती अच्छी गुजराती फिल्में जितने में बनी हैं उतने ही बजट में ये फिल्म हमने बनाई है। हम लोगों ने वहाँ शूट किया है जहाँ से अगर आपको टूथब्रश लेना हो तो 18 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हम लोगों ने उस जगह पे शूट किया है जहाँ पे हमारे सारे गुजरात के गांव खत्म हो जाते हैं। अच्छा। उसके बाद बॉर्डर एरिया शुरू होने से पहले जो रेगिस्तान है जहाँ अगर आप बीच में खड़े हुए तो आपको आसपास कुछ नहीं दिखेगा, कोई गांव नहीं दिखेगा, इलेक्ट्रिक पोल नहीं दिखेगा। वहां जाके हम लोगों ने गांव बनाया है। वाओ। सर हमने सेट नहीं बनाया है। सेट में ये होता है कि सेट है और पीछे कुछ और है या फिर सिर्फ दीवार है। हम लोगों ने गांव पूरा बनाया है क्योंकि मुझे पूरी फिल्म इस तरह से शूट करनी थी कि मुझे कोई कोई घर है तो उसका इंटीरियर है, उसका बाहर, उसके पीछे बीच का जो चौराहा होता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने बनाई है। वाओ, कच्छ के रेगिस्तान के बीच में। तो वो बहुत डिफिकल्ट था हमारे लिए वहाँ जाके शूट करना, लेकिन वो चैलेंज हम लोगों ने ले ली थी। और हमें ये भी पता था कि इन अ वे बहुत एक्सपेंसिव फिल्म होगी, लेकिन हम चार प्रोड्यूसर्स हैं, मैं, मीत, आयुष और प्रतीक, हम लोगों ने ये बहुत कंट्रोल किया था कि ये फिल्म उसी बजट में बननी चाहिए जिस बजट में अच्छी गुजराती फिल्म बनती है। क्योंकि गुजरात में आप तो बहुत ऑथेंटिक पर्सन हो उसके लिए, आप जानते हैं कि बॉक्स ऑफिस पे कितने कलेक्शन गुजराती फिल्मों के आते हैं। तो उसको सोच के भी हम लोगों ने एक स्पेसिफिक बजट बनाया था। तो अभिषेक जी, अवार्ड तो आपको कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड मिल गया है, अब बॉक्स ऑफिस रिवॉर्ड्स को लेकर टेंशन है, एक्साइटमेंट है, क्या नर्वसनेस है? टेंशन तो होता ही है हर फिल्म मेकर को कि लोग कैसे इस फिल्म को लेंगे। लेकिन सर हमारा जो ट्रेलर लॉन्च हुआ है तब से लेकर 3 दिन में 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा है। वाओ, सुपर्ब। और सर जितने भी लोगों ने देखा है उन सारे लोगों ने बहुत पॉजिटिव कमेंट्स हम लोगों को फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे, व्हाट्सएप के ग्रुप में और गुजरात के बहुत सारे अलग अलग रीजन में व्हाट्सएप के ऐसे ऐसे स्क्रीनशॉट्स हमें मिल रहे हैं कि जिसमें सिर्फ वो शेयरिंग नहीं है, उसके साथ जिस तरह के एक्सप्रेशंस हैं लोगों को बहुत अच्छी लग रही है, लोग इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं। तो वो देख के कॉन्फिडेंस आ रहा है कि शायद लोगों तक फिल्म का ट्रेलर पहुंचा है, कंटेंट पहुंचा है, अब शायद लोग देखने जाएंगे। तो वी आर वेरी हैप्पी। हमारी भी यही प्रार्थना है, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। आपने जिसे कहते हैं ना फतेह तो पा ली है, लेकिन अब बॉक्स ऑफिस क्या रंग लाता है हमें पूरा भरोसा, क्योंकि ट्रेलर हमने भी देखा है, बहुत ही अच्छा ट्रेलर आपने बनाया है। थैंक यू। फिल्म देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे अभिषेक शाह, द फर्स्ट टाइम डेब्यू मेकिंग डायरेक्टर ऑफ हेलारो, जो 8 नवंबर को रिलीज होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि ये पहली गुजराती फिल्म होगी जो इंडियन पैनोरमा सेक्शन की ओपनिंग फिल्म होगी। तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम किए जा रही है ये फिल्म, अब बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड्स कायम करें ये तो आप सबके हाथ में है। हेलारो, योर डेट विद हेलारो इज 8 नवंबर। सबटाइटल प्रिंट होगी तो देखिए, और उससे पहले यूट्यूब पर इस फिल्म का ट्रेलर जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चले ये फिल्म किस बारे में है और कितना बढ़िया ट्रेलर बना है। कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा और हमें ये बताइएगा कि आपको हमारा ये इंटरव्यू विद अभिषेक शाह, द फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर ऑफ हेलारो, कैसा लगा। शुक्रिया।